वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद रजनी। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी इससे पहले की, तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। चार दिन से हमारा सारा काम जो है अव्यवस्थित चल रहा है, तो ये यहाँ पे वही सही हो रही है। समर में अंदर जो है ना गंदा पानी चला गया था नाली की व्यवस्था नहीं है और बहुत बड़ी समस्या है ये मेरे लिए। तो वही सही हो रही थी और यहाँ पे मैं आई हूँ नहा के। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं अब नहा के आई हूँ और अब जो पानी वाली जो समस्या थी वो ठीक हो गई है, लेकिन अभी और काम बाहर होना है वो नहीं हुआ है। तो मैं नहा चुकी हूँ और शाम को जब पानी की व्यवस्था ठीक हो गई तभी नहाई हूँ। पीने का पानी, खाना के लिए पानी सारा मैंने बाहर से भरा था, सामने वाले घर से, सोनी के यहाँ से, लेकिन नहाने नहीं गई थी मैं। और कल यानी कि कल संडे था, तो संडे को मैं पूरा दिन नहा ही नहीं पाई गंदे पानी की वजह से। आज मंडे है तो आज पानी की समस्या तो सॉल्व हो चुकी है, और लेकिन अभी बाहर नाली वाली जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हुई है। तो मैंने हेयर वॉश भी किए और उसके बाद कानों में खुजली हो रही थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने जो है टॉप्स निकाल दिए थे तो वो मुझे दिख गए, तो मैंने पहन लिए। और मैं पता है परसों जब गांव गई थी ना तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं ऐसे ही गई थी। तो और उसके बाद ये अंगूर रखे थे, तो मेरे ना 2-3 दिन से पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो मैंने मतलब कुछ वैसा नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया है, सुबह बस हल्का सा खाया था। तो मैंने सोचा कि चलिए इसका अंगूर का शरबत बना लेती हूँ, शरबत भी बोल सकते हो आप, जूस भी बोल सकते हो। तो मैंने अंगूर को डाला है और 1/2 चम्मच भुना जीरा डाला है और 2 चम्मच चीनी डाली है, 1/2 चम्मच काला नमक डाला है और 1/2 चम्मच चाट मसाला डाला है। और आप नींबू भी ऐड कर सकते हो पर मैंने नहीं किया है। तो और हमारा जो जूस है, शरबत है, वो बनके रेडी हो चुका है। तो मुझे लगा कि ये शायद नुकसान नहीं करेगा, तो मैंने ये बनाया और पिया और टेस्टी भी बनता है। और गर्मियों में आप इसको आने वाले गेस्ट के लिए भी बना सकते हो, वो टेस्टी भी होता है और गर्मियों के लिए भी कूल कूल ड्रिंक भी है। और उसके बाद सूरज के लिए और अंकित के लिए मैंने बनाए पराठा। अंकित सूरज का दोस्त है, वो का यहीं पे था क्योंकि मतलब हेल्प ले रहे थे उसकी सूरज, और बहुत ही अच्छा लड़का है, नेचर वाइज पराठा बहुत अच्छा बड़े है। नहीं, नहीं, वो तो साइजेबल अच्छा था। अच्छा था, सही है। इतनी साइज की समझ में आता है, वो अठोरिया जैसी पूरी समझ में नहीं आती। अब हमारी होली भी बहुत करीब आ गई है और गर्मियां भी शुरू हो गई हैं, तो चलिए आज हम एक ऐसा प्रीमिक्स बना के रखते हैं। अगर कोई आ जाता है तो हम उसको 5 मिनट में ठंडाई पिला दें, और वो भी ठंडाई भी ऐसी होगी जो जो भी आप आएगा, जिसको भी आप पिलाओगे ना, वो पूछेगा जरूर कि कैसे बनाई है। बहुत ही इजी वे में बताएंगे और हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी। तो चलिए प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं। और जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, तो देखिए कोई भी मेजरमेंट नहीं है इनका, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको जैसे कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है और उसकी जगह आप दूसरा भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जिनको जरूर ही डालना है, मिलाना है, नहीं तो ठंडाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये लिए हैं मैंने बादाम। बादाम की क्वांटिटी हमारी सबसे ज़्यादा है और उसके आधे समझ लीजिए काजू हैं और आधे पिस्ता हैं। और ये 1/2 चम्मच मैंने ली है काली मिर्च और आधा चम्मच ही लिया है मैंने सौंठ पाउडर, और 1 चम्मच सौंफ है और 1 चम्मच ये खसखस है। इन सभी को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इनका एक पाउडर बनाएंगे। तो सभी को मिक्सी के जार में ऐड कर दिया है और 5 से 6 इलायची हमने डाली है इसमें, हरी इलायची छोटी वाली।
और आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स लीजिए, इलायची वगैरह, मतलब आप कितना बनाना आप चाह रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए सभी चीज़ को। तो यहाँ पे हमने एक पाउडर बना लिया है और एक हमने ग्लास जार में इसको भर के रख लिया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसको तैयार कैसे करना है। बहुत ही इजी वे में ये बनने वाली ठंडाई हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो इस प्री मिक्स को आप बना के रखिएगा और कोई भी गेस्ट आता है तो 5 मिनट में उसको आप ये टेस्टी सी ठंडाई बना के दीजिएगा। आपकी तारीफ ज़रूर करेगा, आपसे पूछेगा ज़रूर कि कैसे बनाई थी। तो हमने यहाँ पे 2 गिलास के लिए 2 चम्मच प्री मिक्स ऐड किया है और 3 से 4 हमने आइस क्यूब ऐड किए हैं और चीनी हम ऐड करेंगे अपनी, मतलब जितना आपको मीठा लेना है उस हिसाब से। आप प्रीमिक्स में भी चीनी ऐड कर सकते हो, पर मैंने इसलिए ऐड नहीं की है कि देखिए अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो हो सकता है कोई हमारे यहाँ ऐसा भी आ सकता है जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर पेशेंट है, तो चीनी वो नहीं लेगा ना। शुगर पेशेंट बिल्कुल मीठा नहीं लेता है, तो आप इस वजह से प्रीमिक्स में मैं यही कहूँगी कि आप चीनी मिक्स मत करिएगा और बाद में करिएगा जिस हिसाब से आपको जिस के लिए बनाना है उस हिसाब से। और बाद में आप पिस्ता या बादाम से गार्निश करिएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना आप। बहुत टेस्टी भी होती है प्लस हेल्दी भी होती है और झटपट से बनने वाली होती है। वैसे तो प्रीमिक्स बनाने के काफी सारे तरीके हैं, लिक्विड फॉर्म में भी बनाने का, लेकिन सबसे इजी तरीका जो है वो ये है। आप ऐसे बना के रख लीजिए और झटपट से 5 मिनट में बना के दे दीजिए जिसको भी देना हो। और चीनी मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं तो फिर तो आपको पता है कि हमारे घर में शुगर पेशेंट है या नहीं है, तो आप चीनी डाल दीजिए। और अगर आप इस पर्पज से बना रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आएगा तो हम उसको भी देंगे, तो आप चीनी ना डालें क्योंकि हो सकता है कोई शुगर पेशेंट भी हो, तो चीनी मत डालिएगा। चीनी जब आप बनाएं तैयार करें तभी डालिएगा। तो बहुत टेस्टी बनी है, आप लोग ट्राई जरूर करना। मैंने आपको इतना इजी तरीका जो बताया है शायद ही आज तक किसी ने इतना इजी तरीका आपको ठंडाई बनाने का बताया होगा। तो आप इसमें गुलाब की पंखुड़ी भी ऐड कर सकते हो, प्रीमिक्स में भी ऐड कर सकते हो, गार्निश के लिए भी ऐड कर सकते हो, तो केसर ऐड कर सकते हो। केसर आज हमारे पास थी नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं कर पाई। केसर भी आप ऐड करिएगा जिसका टेस्ट और मतलब जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है, बहुत ही गजब का आने वाला है, तो जरूर करिएगा। तो चलिए पहले मैं इसको पी लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि 2-3 दिन से पता नहीं क्यों मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और आज मैं मतलब डॉक्टर के को दिखा के भी आई हूँ, डॉक्टर से दवा भी लेके आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि हल्का खाना चाहिए, नहीं तो पता चले कि रात में तेज हो गया दर्द तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो इसलिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो चलिए पहले इसको पी लेते हैं फिर खिचड़ी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूंग की दाल और चावल को धो के रख दिया है। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो और थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल गरम किया है, उसमें जीरा ऐड करूँगी और हींग को मैंने भिगो दिया है क्योंकि हींग हमारी वैसी है, मतलब दाना वाली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है, तो उसको मैंने भिगो दिया है। और उसके बाद हम जीरा ऐड करेंगे और जो हमने दाल चावल धुल के रखे हैं उसको ऐड करेंगे और हम 5 से 6 गुना पानी डालेंगे क्योंकि हमें खिचड़ी पतली पतली एकदम से बनाना है। और कुकर को हम बंद कर देंगे और 1 विशिल लगाएंगे। 1 विशिल के बाद हम एकदम से स्लो फ्लेम पे कर देंगे गैस को और 5 मिनट रखेंगे एकदम से स्लो फ्लेम पे। और उसके बाद जो उसके स्टीम है उसको अपने आप ही निकलने देंगे, तब हम कुकर को खोलेंगे, क्योंकि ये जो पतली पतली खिचड़ी जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तब हम कुकर को खोलेंगे और सर्व करेंगे तो टेस्टी सी खिचड़ी हमारी बन के रेडी हो जाएगी और ये हेल्दी भी होती है। और वैसे भी कहते हैं कि डिनर में हमेशा हल्का ही खाना खाना चाहिए, डिनर हमेशा हमारा हल्का हो। तो मैं जा रही हूँ खिचड़ी एंजॉय करने, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।